यस क्या आप मेरी पीपीटी देख पा रहे हो? यस सर देख रहे हैं। यस सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधीर पीपीटी में जो दिख रहे हैं मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर विनिया, हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स है बाय प्रोफेशन और इलनेस के साथ साथ हम अभी वेलनेस पे भी काम कर रहे हैं। यस ये हमारे मेंटर है हर्षद सर और बागेश्री मैडम और हमारे स्पॉन्सर है डॉक्टर आनंद सर और रमा मैडम जिनकी वजह से हमें अमेजिंग ये फोरम मिला। यस तो शुरू में देखिए हम कैसे ओबीज हो गए थे, ओवरवेट हो गए थे और अभी हम बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। यस ये मेरे चेहरे का भी रिजल्ट देखिए, मैं हर बार ये शेयर करता हूँ क्योंकि इट इज पॉसिबल। चेहरे का रिशेपिंग यहाँ होता है, स्किन ग्लो होती है और मैं जहां जहां भी जाता हूँ ना तो लोग मुझे पूछते हैं और इसी वजह से मैं लोगों तक अपने फोरम की बात पहुंचा सकता हूँ। यस यस मैं अभी पीपीटी स्टॉप करता हूँ और हम लोग ऐसी बातें करेंगे। ओके तो हम लोगों ने इसके पहले हैप्पी टू हेल्प देखा है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देखा है, अलग अलग हम सेशन सुनते हैं। तो जो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उनकी एक डेफिनेशन जो है हेल्थ की वो हमने सुनी है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य होना चाहिए। इसमें और एक ऐड जो हो चुका है आर्थिक स्वास्थ्य। तो ये पांच प्रकार के हेल्थ हो गए, पांच प्रकार के आरोग्य हो गए। तो इनमें से सबसे जो प्राइम इंपॉर्टेंस जिसको है मिनिमम जो हेल्थ चाहिए वो है मानसिक स्वास्थ्य। ओके मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो ही शारीरिक स्वास्थ्य हम मेंटेन कर सकते हैं, समाज में हमारा एक स्थान हम निर्माण कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, इसके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक अलग सेशन हो सकता है मैं बताऊंगा। कल आध्यात्मिकता और धार्मिकता इसमें लोगों को कंफ्यूजन है। आध्यात्मिकता यानी क्या कि हम लोग और हमारा समाज अच्छा है, हम लोग अच्छे लोग हैं ये मानना, इसके साथ साथ दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं और एक भाईचारा मेंटेन हमें करना चाहिए, ये सोच जो है इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। धार्मिक स्वास्थ्य अलग होता है, वो बोलते हैं कि मैं और मेरा धर्म सिर्फ अच्छा, बाकी के लोग बाकी के धर्म वो झूठे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। ये हो गया धार्मिकता। हम लोग आध्यात्मिकता की बात करते हैं यहाँ पर, हम भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं और हम लोग एक भाईचारे के भाईचारे से हमें रहना चाहिए। ओके तो ये इंडिया जो है ये आध्यात्मिकता का आज भी पूरे वर्ल्ड में गुरु है और ये फीलिंग आने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और पांचवा स्वास्थ्य जो मैंने बताया कि आर्थिक स्वास्थ्य फाइनेंशियल हेल्थ, उसके बारे में हमारे हर्षद सर ने एक लेक्चर भी रखा था, अतुल ठाकुर सर का और अश्विनी मैडम का भी एक लेक्चर उन्होंने रखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है हम नाप सकते हैं, हमारा वेट कितना है, हमारी ओबेसिटी कितनी ग्रेड है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य नापने की ऐसे एक आम लोगों को पता नहीं रहता कि कैसे नापना। तो मैं आज कुछ पैरामीटर आपको बताने वाला हूं
कि हम कैसे नाप सकते हैं, हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं या फिर जो भी हम कैंप लेने को जाते हैं, तो हम कैसे नाप सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इसको है या नहीं है। तो जो मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ है वो बिल्कुल कूल एंड काम रहता है, अपनी बात बिल्कुल शांति से रखता है, लोगों की बातें शांति से सुन लेता है, उस पे शांतता से विचार करता है और फिर अपनी बात रखता है। ओके, हम समाज में अलग अलग लोगों को देखते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स है, तो हम ये तय कर पाते कि ये बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके विपरीत जो लोग बिल्कुल अनस्टेबल है, बात करते समय कुछ ना कुछ वो हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, चेहरे पे भी उनके जो एक्सप्रेशन है वो हर सेकंड में चेंज हो जाएंगे, बहुत तो ईगरनेस रहता है। जैसे छोटे बच्चे जो रहते ना, छोटे बच्चे वो रहते ओवर एक्टिव या हाइपर काइनेटिक। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों में अभी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के बहुत सारे कारण अपने आजू बाजू में उपलब्ध है। उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस, अलग अलग लेवल के स्ट्रेस है। इसमें सबसे प्रमुख है व्यवसाय या नौकरी, बिजनेस या नौकरी, इसका टेंशन। ओके, तो जो भी हमारे पास हम कैंप लेने के जाते हैं या फिर हम अभी वेलनेस में काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारे लोग पास आते हैं, तो सबसे पहले हमने उनका शारीरिक स्वास्थ्य तो हम जांचते हैं करोड़ स्कैन पे, मानसिक रूप से स्वस्थ है क्या हमने ये भी देखना है, और उससे कुछ बातें हमने अपने ये जो प्रिस्क्राइब करते हैं, हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसके साथ में ये भी बातें बहुत जरूरी है। तो उसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या उसको सुधारेंगे कैसे, हमको पता चलता है कि ये अनस्टेबल है या फिर ये हम जो बोलते हैं वो फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता है तो भी वो बार बार भूल जाता है या फिर पुरानी आदतों की ओर चला जाता है वगैरह वगैरह। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है कि अपना ये जो फोरम है वहां पर उसको इनवाइट करना चाहिए, कोच और कम्युनिटी अपने आदतों को सुधारते हैं। हम बोलते हैं ना कि 21 डेज वेट लॉस मैराथन, 21 डेज वेट लॉस चैलेंज, स्किन चैलेंज, सवेरे शाम फोरम पे हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग टॉपिक लेते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। तो उससे एक बात हम सिखाए थे कि यहाँ एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अच्छे लोगों की बातें सुन के हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो शॉर्ट में मैंने बताया कि जो अनस्टेबल है, जो बातें सुन के ओवर रिएक्ट करता है या बातें सुन के बहुत स्लगिश रिएक्ट करता है, नॉर्मली जो लोगों ने फॉलो करना चाहिए उससे वो फॉलो नहीं होता है, तो हमने समझ लेना चाहिए कि ये मानसिक स्वास्थ्य में इसमें थोड़ी कमतरता है। आजकल साइकेट्रिस्ट यानी और साइकोलॉजिस्ट, ये दो अलग अलग स्ट्रीम है, लोग उसको एक ही समझते। हमारे घर में अगर कुछ बच्चे हैं, वो हार्मोनल चेंजेस में, देखिए जो प्यूबर्टी एज होता है 13 से लेके 16-18 तक, अभी प्यूबर्टी एज भी थोड़ा शिफ्ट हो गया है, वो 11 साल से ही चालू हो गया है। तो हम लोग के पढ़ेंगे 11 साल से 18 साल तक ये प्यूबर्टी एज होता है, और जैसे मेनोपॉजल एक ईयर होता है, पहले वो 45 था, अभी वो शिफ्ट हो गया 35-45। तो ये पीरियड में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं लेडीज में भी और जेंट्स में भी,
जैसे मेनोपॉज होता है वैसे जेंट्स में भी एंड्रोपॉज होता है, उसके बाद में एक अलग से सेशन में लेने वाला हूँ एंड्रोपॉज। लोग बोलते हैं कि हाँ मेनोपॉज होता है इसलिए जो वुमेन है उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, ओके, लेकिन पुरुष के बारे में ना कहीं लिखा है ना कोई सोचते हैं, लेकिन उनमें भी एंड्रोपॉज होता है, उनमें भी भावनिक स्तर पे बहुत चेंजेस होते हैं। यस, तो हमने देखा कि हमने अभी पहचान लिया कि मानसिक रूप से इसको कूल एंड काम रखना, स्टेबल रखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि उसको अपने फोरम पे इनवाइट करना, और फाइव पिलर्स ऑफ हेल्थ जैसे आहार, मैं बार बार ये दोहराता हूँ क्योंकि अपने जो फैमिली मेंबर्स है तो उनमें सबकॉन्शियस माइंड तक एक बात जाना चाहिए कि सिर्फ न्यूट्रिशन लेना सफिशियंट नहीं है, उसके साथ में कोच और कम्युनिटी का होना आवश्यक है। और फाइव पिलर्स ऑफ हेल्थ आहार, पानी, एक्सरसाइज, साउंड स्लीप एंड पॉजिटिव मेंटेलिटी। इस साउंड स्लीप और पॉजिटिव मेंटेलिटी मेंटेन करने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर यहाँ लेक्चर होते हैं, वो भी आपने अटेंड करना चाहिए, लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। यस, तो अपना जो जो शरीर दिख रहा है, सिर्फ शरीर दिखता है, माइंड और मन कहीं दिखता नहीं है, वो एक अपनी ब्रेन की एक विचार प्रणाली है। जो दिखता है उस पर बहुत सारा एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल रिसर्च हो चुका है, लेकिन मन के ऊपर आज भी बहुत कम लिटरेचर उपलब्ध है, और ऐसा मानते हैं पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया को स्पिरिचुअल गुरु क्यों मानता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन सालों से मन के ऊपर बहुत सारा वर्क हुआ है, उसको कैसे काबू में रखना, अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे ये योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, तो ये सब चीजें जो है ना हम देखेंगे कि मन को काबू में रखने के लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग उदाहरण देके हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने समझाया कि मन को उन्होंने उपमा दिए है एक जंगली घोड़े के जैसे। जंगली घोड़े के ऊपर अगर कोई बैठता है तो घोड़ा जहां जहां भी जाएगा वहां वहां हम लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन उसी को अगर हम ट्रेन करते हैं, ट्रेन हॉर्स, तो हम जैसे बोलेंगे वहां वहां वो हमें लेके जाएगा, हम जैसा चाहते हैं वैसा वो काम करेगा। तो हमारा मन जो है वो भी एक जंगली घोड़े के जैसा होता है, तो उसको ट्रेन करना जरूरी है। तो कैसे ट्रेन करेंगे उसको, तो मन के दो पार्ट होते हैं, एक बाह्य मन और अंतर्मन। बाह्य मन, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बातें सुन रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ये बाह्य मन हो गया। अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड, आप जैसा बोलते हो, जैसा चलते हो, आप जैसा सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो अंतर्मन के ऊपर डिपेंड करता है। अंतर्मन बचपन से लेके एडल्ट एज तक धीरे 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 डेवलप होता है। एडल्ट स्टेज जब 18 साल 21 साल, अभी वोटिंग का जो अधिकार है वो 18 साल को दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन भावनिक स्टेबिलिटी 21 साल मिनिमम उसको लगते हैं। तो जो भी अपने टीनेजर्स है, बच्चे जो है, तो उनको ये बातें स्ट्रेस करना चाहिए, 21 साल तक आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन को फॉलो करो। ये प्रूव हो चुका है कि 21 साल तक फ्रंटल लोब की कैपेसिटी और जो इमोशनल स्टेबिलिटी एवरेज एवरेज एज, कुछ लोगों को जल्दी समझदारी आ जाती है, कुछ लोग 21 साल के बाद में भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन एवरेज एज 21 साल तक है। तो ये अंतर्मन जो है 21 साल तक उसके एक कंस्ट्रक्शन बन जाता है, उसके बाद में भी इसमें हम सुधार कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो इम्प्रूव करने की मैं आप एक टेक्निक आपको आज बताने वाला हूँ। इसके पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, लेकिन बार बार ये टेक्निक अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर, मन और आत्मा, ये तीन एलिमेंट्स हैं, रोज इसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, शरीर के लिए अच्छा है, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर के लिए अच्छा है, मन के लिए हमें रोज कुछ ना कुछ, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, सेशन की शुरुआत मोटिवेशनल वीडियो से होती है, रोज हमने कुछ तो भी सेल्फ टॉक होना चाहिए, सेल्फ टॉक। तो इसको साइंटिफिक वर्ड क्या है, रैशनल इमोटिव थेरेपी। हमने हमारे जो भी गोल्स है, हमारे कोच हमें बोलते हैं कि हमारे हमने कागज के ऊपर लिखना चाहिए कि मुझे मेरी हेल्थ में, मैं आज इस जगह पे हूं, मुझे इस जगह जाना है, मेरे मेंटल स्टेज पे मैं आज इस जगह पे हूं, मुझे इस जगह जाना है। कौन सी क्वालिटी मुझ में नहीं है वो आपने लिखना चाहिए, तो एक रास्ता तय होगा, एक मंजिल तय होगी और वहां तक हमें जाना है ये तय होगा। उसके बाद में इसका प्रोग्रामिंग कैसे करें, तो सबसे पहली बात क्या है, रैशनल इमोटिव थेरेपी। जो अच्छे सेंटेंस हमने लिखे हैं, तो मैं आज एक आपको एक मंत्र देने वाला हूं, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मंत्र मैंने इसलिए बोला कि ये मंत्र शब्द का एक अलग प्रोग्रामिंग बचपन से हमारे माइंड के ऊपर है, गुरु मंत्र या फिर जाप, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें होता है। तो एक सेंटेंस आपने लिखना है, दिन ब दिन हर सांस के साथ प्रत्येक मार्ग से मैं अधिकाधिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं। यह है पॉजिटिव कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस आपने लिखना है अपने बुक में और इसको बार बार दोहराना है, बार बार इसमें उसको दोहराना है। तो ये हो गया रैशनल इमोटिव थेरेपी। और दूसरी थेरेपी है हिप्नोसिस। इसमें दो पार्ट है, हिप्नोसिस यानी कोई एक हिप्नोटिस्ट होता है और एक होता है सब्जेक्ट। वो सूचना देता है, सब्जेक्ट स्वीकार करता है। तो आज हम लोग हिप्नोसिस देखने वाले हैं और आप इसको याद करके सेल्फ हिप्नोसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, खुद ही रिलैक्स होके हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। यस, तो जितने भी लोग आज फोरम के ऊपर हैं, तो ये क्या है टेक्निक, आप अभी तैयार है सीखने के लिए? 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा वेव कर दीजिए। जो भी लोग रिलैक्स होके सुन सकते हैं, उन्होंने इसका स्वीकार करना है, सूचनाओं का स्वीकार करना है। जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, जो लोग कुछ ड्राइव कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सिर्फ सुनना है, उसका उस पे एक्शन नहीं लेना है। ओके, तो शुरू में इसके कुछ नियम मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला नियम है कि सूचनाओं का स्वीकार करना, दूसरा सूचनाओं पे अमल करना, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे वो चीजें कल्पना करना, और रिलैक्सेशन टेक्निक होती है वो, उसका पालन करना, और तीसरा ये चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, इसका हमने हमारे स्वास्थ्य के प्रति उपयोग करना चाहिए, ऐसा भाव मन में पैदा करना। तो ये उसके प्रिकॉशंस हो गए। उसके बाद में
आप एक जैसे रिलैक्स अवस्था में जाते हो, सूचनाओं का स्वीकार करते हो, वो चीजें की कल्पना करते हो, तो उससे बाहर भी आना चाहिए। रिलैक्सेशन खत्म होने के बाद में वो स्टेट से, हिप्नोइडल स्टेट से बाहर आना चाहिए। बाहर आने के लिए कुछ कोड वर्ड्स हैं, 101, 102, 103। जब भी मैं 101, 102, 103 बोलूंगा तो उससे आप बाहर आएंगे। ओके, यस। और इसके साथ में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, वो आपके एक ट्रांस में ले जाने के लिए उपयुक्त है। तानपुरे का साउंड है, नेचर ऑफ साउंड जिसको बोलते हैं। तो आज हम पहले रिलैक्सेशन करने वाले हैं, बाद में एक कल्पना करने वाले की काम, सुंदर बगीचे में जाने वाले हैं, वहां से हम लोग अंतरिक्ष की सैर करने वाले हैं, और उसके बाद में मैं कुछ सजेशन आपको दूंगा आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आपका जो भी एम है, वेट लॉस, फैट लॉस, या जो भी वेट गेन, या कोई डिसीज के ऊपर कंट्रोल करना है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। मैं कुछ कॉमन सजेशन मैं आपको देने वाला हूं, आप अपने हिसाब से उसमें सजेशन ऐड कर सकते हैं। तो जब हम रिलैक्स होते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और शरीर जब रिलैक्स होता है तब सबकॉन्शियस माइंड की जो ऊपर की जाली होती है, एनालिसिस करने की जो जो ग्रिड होती है वो निकल जाती है, और उसमें हम लोग सूचनाएं डाल सकते हैं। जब हम लोग कॉन्शियस होते हैं तब हम चाहकर भी हमको सुधार नहीं सकते। मराठी में बोलते हैं, करते पर वर्त नहीं। छोटे बच्चों को हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन उसको समझता है गलत है, लेकिन वो अपने कृति में बदल नहीं कर सकता। तो ये कृति में बदल करने के लिए एक टेक्निक है, इसे बोलते हैं हिप्नोसिस। तो चलिए, हमें अभी एक 15 मिनट का सेशन करने वाले हैं, 15 से 20 मिनट। यस, तो मैं अभी थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगा। रिलैक्स बैठना है, आंखें बंद करना है, दीवार को भी सट के आप बैठ सकते हो या सो सकते हो। ओके, और क्या करना है, रिलैक्स होना है और सिर्फ सुनना है, अमल करना है। रिलैक्स बैठिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, पैर के अंगूठे रिलैक्स, पैर की उंगलियां रिलैक्स, पैर रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों जांघे रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह से रिलैक्स, कमर रिलैक्स, रिलैक्स, पेट रिलैक्स, रिलैक्स, छाती रिलैक्स, रिलैक्स, सांस नॉर्मल हो रही है,
रिलैक्स सांस नॉर्मल हो रही है, कंधे रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स रिलैक्स, हाथों की उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स रिलैक्स, दोनों गाल रिलैक्स रिलैक्स, दोनों कान रिलैक्स रिलैक्स, नाक रिलैक्स, होंठ रिलैक्स, माथा रिलैक्स रिलैक्स, दोनों भौहें रिलैक्स रिलैक्स, आंखों की पंखुड़ियां रिलैक्स रिलैक्स, दोनों आंखें पूर्ण रूप से रिलैक्स हो रही है, आंखें रिलैक्स रिलैक्स, पूरा सिर रिलैक्स रिलैक्स, दाया ब्रेन रिलैक्स बाया ब्रेन रिलैक्स, शरीर और ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, शरीर और ब्रेन में किसी भी तरह का तनाव नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स, शांत महसूस हो रहा है, रिलैक्स, अभी आप सम्मोहन के गहरी अवस्था में जा रहे हो, रिलैक्स रिलैक्स, पूर्ण रूप से रिलैक्स लग रहा है, मैं जो भी सूचनाएं आपको दूंगा उसका स्वीकार करना है, उस पे अमल करना है, रिलैक्स रिलैक्स हो चुके हो, अभी आप एक बहुत ही सुंदर गार्डन में जा रहे हो, धीरे धीरे एक सुंदर बगीचे में आप प्रवेश कर रहे हो, पंछियों की मधुर चहचहाट आपको सुनाई दे रहे हैं, उसको आप सुन पा रहे हो, तरह तरह के रंग बिरंगे पंछी आपको दिख रहे हैं, रंग बिरंगे फूल आप देख पा रहे हो, फूलों की खुशबू
का एहसास कीजिए। बहुत ही शांत और प्रसन्न आपको लग रहा है। धीरे धीरे आप बगीचे में टहल रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा झरना बह रहा है। झरने के पानी में आप पैर डाल के बैठ रहे हो। पानी का एहसास महसूस कीजिए। झरने की आवाज का आनंद लीजिए। बहुत ही शांत और रिलैक्स लग रहा है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। एक सुंदर सी झोपड़ी बगीचे में है। धीरे धीरे आप उस झोपड़े में प्रवेश कर रहे हो। बहुत ही शांत और प्रसन्न लग रहा है। झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही मुलायम, बहुत ही प्यारा एक बेड है। उस पे आप बैठ रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। उस पे बहुत ही शांत अवस्था में आप लेट रहे हो। आप रिलैक्स महसूस करेंगे लेकिन नींद में नहीं जाएंगे। रिलैक्स महसूस करेंगे और मेरी सूचनाओं का स्वीकार करेंगे, उस पे अमल करेंगे। उस झोपड़ी को एक बहुत बड़ा बलून अटैच हुआ है। जैसे जैसे बलून ऊपर जाएगा, आपकी झोपड़ी भी धीरे 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 आकाश में जाएगी और अंतरिक्ष की एक हम सैर करेंगे। जैसे जैसे झोपड़ी अंतरिक्ष में उठने वाली है, वैसे वैसे हमारी सम्मोहन की अवस्था और गहरी अवस्था में हम जाएंगे। जैसे जैसे हम आकाश में उठेंगे, हमारी सम्मोहन की अवस्था गहरी 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 हो रही है। धीरे धीरे बलून आकाश में उठ रहा है। धीरे धीरे हम आकाश में उठ रहे हैं। आप देख पा रहे हो पेड़ और बाकी चीजें छोटी छोटी दिख रही है। जैसे जैसे झोपड़ी आकाश में उठ रही है, कुछ सुंदर पंछी आपके हट में आके बैठ रहे हैं। उनकी आवाज सुनिए, उनका प्यारा सा रंग आप देखिए, बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। धीरे धीरे झोपड़ी आकाश में और ऊपर ऊपर जा रही है। बगीचा, घर, रास्ते, गाड़ियां बहुत ही छोटी 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 होते जा रही है। आप अंतरिक्ष में और ऊपर उठ रहे हैं। आपके सम्मोहन की अवस्था और गहरी हो रही है। बहुत ही प्यारा
और शांत वातावरण है, किसी तरह का कोई शोर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बहुत ही शांत रिलैक्स लग रहा है। अब धीरे धीरे बलून नीचे 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 आ रहा है, बहुत ही शांत और रिलैक्स लग रहा है। जैसे जैसे बलून नीचे आ रहा है, वैसे वैसे घर, पेड़, रास्ते हमें दिखने लगे हैं। जैसे एरोप्लेन से हम लैंड करते समय हमें दिखता है, वैसे हम देख पा रहे हैं। बलून नीचे आ रहा है और बगीचा हमें दिख रहा है, पेड़ बड़े बड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल धीरे 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 बलून और हमारी झोपड़ी फिर से बगीचा में लैंड करने वाली है। बहुत ही रिलैक्स अवस्था में हम हैं, बहुत ही रिलैक्स। अभी हमारा अंतर्मन पूरी तरह से खुल चुका है, सूचनाएं स्वीकारने को तैयार है। दिन प्रतिदिन हर सांस के साथ प्रत्येक मार्ग से आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो रहे हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो रहे हो। दिन ब दिन हर सांस के साथ आप इस अमेजिंग कम्युनिटी के साथ, आप इस हेल्थ बास्केट फोरम के साथ जुड़ रहे हो, अपने परिवारजन के साथ जुड़ रहे हो, इससे लाभान्वित हो रहे हो। आपका कोच, कम्युनिटी और प्यारा सा न्यूट्रिशन आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे रहा है। आपके हेल्थ गोल्स धीरे धीरे आप अचीव कर रहे हो, धीरे धीरे आपका फैट लॉस हो रहा है, धीरे धीरे आपके मसल की पावर बढ़ रही है, धीरे धीरे आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी प्रतिकार क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बहुत ही सुंदर आप दिख रहे हो। जब भी आप बाहर जाते हो तो सबसे आप अलग दिख रहे हो, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी हेल्थ की तारीफ कर रहे हैं, आपके स्किन की तारीफ कर रहे हैं और आपको आनंद हो रहा है। उस आनंद का अनुभव लीजिए, उसे महसूस कीजिए और रोज अपने कोच, अपनी कम्युनिटी और प्यारा सा न्यूट्रिशन इसे अपनाइए। धीरे धीरे आपका बलून बगीचे में लैंड करने वाला है। कोई तनाव नहीं, कोई जर्क नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में हो।
धीरे बलून लैंड हो रहा है। पूर्ण रूप से शांत रिलैक्स महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आप जागने वाले हो। जैसे ही मैं 101, 102, 103 कहूंगा, आप पूरी तरह से जाग जाएंगे। 101, शांत रिलैक्स लग रहा है। 102, शांत उत्साहित लग रहा है। 103, प्रसन्न उत्साहित लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। धीरे धीरे आंखें खोलिए। धीरे धीरे जाग जाइए। पूरी तरह से सजग हो जाइए। धीरे धीरे जाग जाइए। पूर्ण रूप से सजग हो जाइए। अपने वातावरण को महसूस कीजिए। आंखें खोलिए। पूरी तरह से जाग जाइए। तो ये था अपना एक शॉर्ट इंडक्शन। इसे एक शॉर्ट इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। जब कभी एक्चुअली ये रोज हमें रिलैक्सेशन लेना है इस तरह से, तो खुद के लिए 10 से 15 मिनट हमें निकालना है अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए। ओके, तो ये शॉर्ट इंडक्शन था। जब कभी हमें मौका मिलेगा तो हम इवनिंग में भी एक सेशन लेंगे और एक रिलैक्सेशन का हम अनुभव करेंगे। यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ओवर टू आवर होस्ट। बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज हमने आज लिया मनीषा तिवड़े मैडम ने, आनंद सर ने, और उसके बाद में एक कूल एंड काम रिलैक्सेशन का हमने अनुभव किया। यस, बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। यस, मतलब एक ही लव्स, एक ही सेंटेंस आज माइंड में आ रहा है, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव सच लवली पीपल ऑन दिस कॉल। मतलब देखिए ना, दिन की शुरुआत जब हम इतने पॉजिटिव तरीके से करते हैं, बढ़िया सा वार्म अप, उसके बाद इतना बढ़िया वर्कआउट, आज हमारे मनीषा मैम ने तो चार चांद लगा दिए इतना बढ़िया होस्टिंग करके, और उसके बाद सुधीर सर एज यूजुअल तुमचा धीर गंभीर आवाज, तुम्ही नुसतं जरी बोलले ना सर तरी आम्हाला ध्यानात जायला होतं, अशी परिस्थिती आहे। पण त्याचबरोबर तुम्ही जी टेक्निक शिकवली आहे दॅट वॉज रिअली अमेझिंग, आणि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए ऐसा मुझे भी लगता है। और यस, आज के सेशन के बारे में अगर किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो आप जरूर पूछिए। फीडबैक तो बिल्कुल देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 100% अमेजिंग कॉल हुआ है, लेकिन आपके माइंड में अगर कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली अपने हैंड रेस करके पूछना है, सुधीर सर जरूर उसका जवाब देंगे। यस, कोई है जिसके माइंड में कोई सवाल है, कोई बात करना चाहता है? क्या बात है। यस आनंद सर। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुधीर सर ने तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन लिया, मुझे पता था सुधीर सर मेंटल हेल्थ में रिलैक्सेशन लेने वाले, इसलिए तो हमने अपना जो मेडिटेशन है वो स्किप किया था और आप प्राणायाम की ओर गए थे। तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर ने हमारे पृथ्वी के ऊपर से अंतरिक्ष की सैर कराई और फिर धीरे धीरे कब ला के छोड़ दिया उसी बगीचे में। और मैं तो बगीचे में जब फूलों के बारे में देख रहा था तो मुझे गुलाबी गुलाबी जैसे गुलाब के फूल दिख रहे थे,
और मैं वो गुलाब के फूल के पंखुड़ियों में जाके सो गया था थोड़ा सा जैसे, और उसके साथ ही मैं उड़ रहा था, तो बहुत बढ़िया इमेजिनेशन और करने के बाद अफर्मेशन भी बहुत अच्छे हुए, जिसकी वजह से एक मेंटली बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गहराई में जो गया था और बिंदा से एक रिलैक्सेशन हुआ था, उससे बाहर आना ही नहीं चाहिए ऐसा मुझे लग रहा था आज, तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम जो अपना चाय और नाश्ता लेते हैं सुबह में, और उससे पूरे बॉडी का भी एकदम अच्छा न्यूट्रिशन पोषण वगैरह बाकी सब मेंटल हेल्थ का भी होता है, लेकिन अब ये रिलैक्सेशन और कुछ अंदर से भी पोषक तत्व जो हमारे कुछ इसमें सप्लीमेंट्स में है क्या, कि जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ हमारा अच्छा रहे और अच्छे तरीके से हम रिलैक्सेशन को जल्दी से अडॉप्ट कर सके, ऐसा कुछ रहा तो? यस यस, थैंक यू आनंद सर कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और जैसे एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है, और जिसका स्वस्थ मन है उसे ही स्वस्थ शरीर मिलता है। तो स्वस्थ शरीर पाने के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए अपना जो अमेजिंग न्यूट्रिशन है, सभी न्यूट्रिशन बेसिक एडवांस्ड और अल्टीमेट, सभी न्यूट्रिशन ये दोनों चीजें पे काम करते हैं। हमारा जब अमेजिंग हम रोज सवेरे एवरेज लेते हैं तो मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत ही हम थक गए, उदास है और चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो हमें एवरेज लेना चाहिए। उसमें जो अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो उसमें माइल्ड क्वांटिटी में कैफीन है, वो हमें अलर्ट करता है। जितने भी विद्यार्थी इस पे फोरम पे है, तो उन्होंने पढ़ाई के पहले एवरेज भी हमें ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक चम्मच काफी है, और एडल्ट के लिए हम लोग तीन स्कूप जो उसके बोलते हैं लेना चाहिए। तो दिन की शुरुआत हम मेंटल अलर्टनेस से करते हैं, उसके बाद में हमारा पैरासाम शेक लेते हैं, जो भी अपने आपके कोच ने डिजाइन किया हो। फॉर्मूला वन, पर्सनलाइज प्रोटीन और शेकमेट, ये तीनों जब हम कंबाइन करते हैं तो पूरे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हमें मिलते हैं। हर शरीर के सेल का पोषण होता है, और जब पेट भरा हुआ होता है तभी हम कुछ चीजें कूल एंड काम रूप से सुन सकते हैं, कर सकते हैं। अगर कोई खाली पेट है, बहुत ही इरिटेटेड है, ना कुछ सुन पाएगा ना कुछ अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। तो इस सभी शरीर का सेलुलर न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए। पोषण लेने के लिए हमारा जो बेसिक फ्यूल है वो हमने तुरंत स्टार्ट करना है। उसके साथ में ये फॉर्मूला वन पर्सनलाइज प्रोटीन शेकमेट, ये हो गया। उसके साथ में फॉर्मूला टू मल्टीविटामिन, ये हमारे सभी सेल तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जो रोज के खाने में हमें नहीं मिलते हैं। ये मल्टीविटामिन टैबलेट दिन में 3 टाइम हमें लेना चाहिए। ये हो गया बेसिक न्यूट्रिशन, कोर न्यूट्रिशन। उसके बाद में एडवांस न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफलाइन कैप्सूल ओमेगा 3 फैट हमें देता है, और एक सेंस ऑफ कूलनेस वेलबींग हमें आता है, इम्यूनिटी से बढ़ती है, स्किन का ग्लो भी आता है, और एक मेंटल कामनेस भी इसे आता है हर्बल लाइफलाइन से। उसके बाद में हमारा सेल एक्टिवेटर हर्बल लाइफ कैल्शियम टैबलेट, ये सभी चीजें हमारे सेल तक ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। और सेल अच्छा तो टिश्यू अच्छा, टिश्यू अच्छा तो ऑर्गन अच्छे, ऑर्गन अच्छे तो पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ब्रेन हेल्थ करके एक अमेजिंग न्यूट्रिशन हमारे पास है, जो विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है और एडल्ट के लिए भी आवश्यक है। उससे प्रॉपर नींद हमें आती है, मेमोरी पावर हमारी बढ़ती है। नाइट वर्क्स एक अमेजिंग न्यूट्रिशन हमारे पास में है। रोज रात में एक ग्लास में एक स्कूप अगर डाल के हम लेते हैं, उसके साथ में आलो कॉन्स्टेंट हम ऐड करते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है उसकी। उससे अच्छी प्यारी सी नींद हमें पूरी होती है। नींद अगर पूरी हम ले भी नहीं पाते तो नींद का हैंगओवर नहीं होता है। और ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है, हमारे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर ने ये डिजाइन किया हुआ है।
तो उसे एक मेंटल पीस आता है और हम अलर्टनेस भी उसके साथ में हम प्राप्त कर सकते हैं। इन न्यूट्रिशन के साथ में जो डिजाइन किया है ये हमारा फोरम, कि इसमें आपको एक कोच मिलता है, एक अमेजिंग कम्युनिटी मिलती है और न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें जब एकत्र आती है और इसके साथ में हम जो 5 पिलर्स पे वर्क करते हैं, आहार, पानी, एक्सरसाइज, साउंड, स्लीप एंड पॉजिटिव मेंटेलिटी, तो हमारे हेल्थ गोल तो अचीव होते ही है। उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे जो भी चैलेंजेस है, कोई हमें अगर बीमारियां हैं वो बीमारी के ऊपर भी कंट्रोल आता है। हालांकि एक प्रोटोकॉल है हमारा, हम मेडिकल क्लेम या फिर ऐसे क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष हमारा अनुभव ऐसा है कि जो भी बीमारी आपकी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, उस पर भी अच्छे से कंट्रोल आता है, उसकी गोलियां कम होती है। तो यहाँ पर एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ इन्वाइट करना चाहिए, अपने साथ उनको भी लाभान्वित हमने करना चाहिए। यस, थैंक यू सर। यस, सवाल पूछने वाला भी ग्रेट, जवाब देने वाला भी ग्रेट, सुनने वाले तो उसके ऊपर से भी ग्रेट, क्योंकि उनको बैठे बैठे नॉलेज मिल जाता है। यस रियली, क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है तो कितने लोगों को उसको फायदा होता है। तो अगर मन में आपके कुछ डाउट है तो बिल्कुल आपको उसे छुपाए नहीं रखना है, बिल्कुल पूछना है और जो भी डाउट है उसको क्लियर करके ही आगे जाना है, राइट? तो यस, और कोई है जिसको बात करनी है या कुछ सवाल पूछने हैं तो आप जरूर बात कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कॉल शाम को 5:15 बजे भी रहने वाला है। जो जिनको पॉसिबल नहीं है आना सवेरे, या जिसका मिस हुआ है, तो उन्होंने शाम को बिल्कुल भी कनेक्ट करना है। और उसके साथ ही जो हमारा वेट लॉस चैलेंज शुरू हो चुका है, जो ना ही केवल आपके वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है, लेकिन लाइफ टाइम आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ, एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ कैसे बिता सकते हो, इसके बारे में आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे करना है, करू का यार, उगाच पैसे वाया जातील का, तो ऐसे कुंपणावरचे जे लोक आहेत त्यांनी बिल्कुल पण विचार करू नका और तुरंत आपने एडमिशन ले लेना है, ताकि आपको इस बढ़िया से प्रोग्राम में आप लोग जुड़ पाए, राइट? तो चलिए देन एक बार फिर से झूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी ने फिर से कैमरा ऑन करना है 2 मिनट के लिए।